दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि को अग्नि तत्व राशि माना जाता है और सूर्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों सभी राशियों में प्रथम मेष राशि के जातकों में बहुत ही गजब क्षमता और इंडिविजुअलिटी की प्रबल भावना होती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में किसी ऐसे शख्स से मिले हों जो बिल्कुल निडर स्पष्टवादी हो तो शायद उस शख्स की राशि मेष राशि ही होगी। मेष राशि के जातकों को बदलाव पसंद होते हैं। इस राशि के जातक उत्सुक ऊर्जावान और उत्साही प्रकृति के होते हैं जो अक्सर शुरुआत करने वालों में से होते हैं। मेष राशि के अधिकतर जातकों की आम बात होती है कि जोखिम उठाने वाले होते हैं, इन्हें खतरों से डर नहीं लगता और ये जातक बहुत ही साहसी किस्म के होते हैं। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो मेष राशि के लोग चुनौतियों का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराते और दोस्तों इन्हें जीवन में प्रयोग करने की आदत होती है। इसी वजह से ये लोग बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं और ये जिंदा दिल भी होते हैं। इनकी ऊर्जा का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी YouTube चैनल मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय महादेव जरूर लिखें। तो विस्तार से बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों की जीवन की सच्चाई क्या है, इनकी विशेषता और कमजोरी क्या होती है, कौन सी नौकरी या बिजनेस इनके लिए सही रहता है और इनके जीवन में भाग्यशाली साल कौन सा होता है, पसंद और नापसंद की भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों लाइक करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी विशेषता की। ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, सक्रिय होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, अग्रणी और उत्साहित रहते हैं। इनकी ऊर्जा का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। दोस्तों इन्हें कभी थकान नहीं महसूस होती और अगर मेष राशि वाले आपके आसपास हैं तो ये अपनी प्रेजेंस से पूरा माहौल चमका देते हैं। अगर इन्हें किसी चीज में दिलचस्पी होती है, चाहे वह रिलेशनशिप हो या प्रोजेक्ट हो, ये पूरे पैशनेट तरीके से उसे पूरा करते हैं। दोस्तों बात करेंगे मेष राशि की कमजोरी की। दोस्तों ये आक्रामक होते हैं और जल्दी विचलित हो जाते हैं। ये कई बार एरोगेट भी जल्दी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ जानते हैं और समझते हैं वही सही है और दूसरे लोगों की दी गई राय को ये कम मानते हैं। दोस्तों मेष राशि के जातकों की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनका जिद्दीपन। इनकी जिद्दी होना सबसे बड़ा अवगुण है। ये बेसब्र और जल्दी आपा खोने वाले भी होते हैं। ये अपना आप खो देते हैं और एक मिनट सोचे बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और फैसले ले लेते हैं। दोस्तों भले ही मेष राशि के जातक बहुत ही सक्रिय ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर भी जाती है। इन्हें अपने जीवन में सफल होने के लिए अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाने की जरूरत होती है। ये टकराव में कई बार आगे होते हैं, कई बार ये अपने रिश्तों को खुद ही कमजोर कर देते हैं। चीजों के बीच में छोड़ देना इनकी एक आदत होती है। मेष राशि के जातक किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा समय तक नहीं टिक पाते और कई बार इन चीजों को बीच में ही छोड़ देते हैं ताकि दूसरी चुनौतीपूर्ण चीजों में अपना हाथ आजमा सकें। दोस्तों अब बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए कौन सा बिजनेस सही रहता है और कौन सी नौकरी सही रहती है। दोस्तों सिविल सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पुलिस की नौकरी करना भी आपके लिए बहुत उपयुक्त है। सेना में नौकरी करना या फिर मेडिकल में नौकरी करना इनके लिए बहुत उपयुक्त रहता है एवं पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे भाग्यशाली साल की। इनका भाग्यशाली साल रहता है 20 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र, 34 साल की उम्र, 36 साल की उम्र या फिर 48 साल की उम्र। दोस्तों भाग्यशाली दिन की और नंबर की बात करें तो भाग्यशाली दिन रहेगा इनका मंगलवार और भाग्यशाली नंबर रहता है इनका 9। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी पसंद व नापसंद की। दोस्तों नेतृत्व करना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। अच्छा खाना खाना और अच्छा पहनना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। बात करते हैं नापसंद की। नीरस काम करना मींस कि जो काम इनको पसंद ना हो वो काम करना या किसी की प्रतीक्षा करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। दोस्तों बात कर लेते हैं मेष राशि के व्यक्तित्व या स्वभाव की। ये राशि किसी भी जातक के गुण स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्पण होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होते हैं। यही कारण है कि इस राशि के जातक जीवन में नई ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। दोस्तों मेष राशि के जातक तेजी से काम करने वाले, आशावादी और आत्म केंद्रित होते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि होने के कारण ये शिशु की तरह मासूम होते हैं। इनका प्रतीक मेंढा होता है जो निडर और साहसी होता है। इस राशि के जातक हमेशा अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ऐसे जातक अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते। दोस्तों ये जातक किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात अति उत्साह के साथ उस काम पर कसकर लग जाते हैं, लेकिन कार्य पर अंत तक उत्साह नहीं दिखा पाते। नतीजन बहुत जल्दी अपनी रुचि खो देते हैं। ऐसे जातक बहुत लंबे समय तक किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाते। दोस्तों इस आदत की वजह से ये लोग आलोचना का शिकार होते हैं। यदि किसी कार्य का प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक कार्य करना हो
तो अक्सर ये नाकाम साबित होते हैं, क्योंकि इनका मन जल्दी ही किसी काम में उचाट हो जाता है जो इनके करियर के विकास में बाधक बनता है। ये अपनी क्षमता से ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, चाहे ये उसका उपयोग करें या ना करें। इन्हें अपना प्रदर्शन अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा दूसरों की प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। यदि ये अच्छा नहीं कर पाते तो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके जीवन साथी की, तो ये जीवन साथी के साथ बहुत ही उपेक्षित होते हैं। हालांकि ये शुरू में रोमांटिक नहीं होते, पर बाद में ये अपने प्यार की अमरता महसूस करने लगते हैं। ये एक अच्छे साथी साबित होते हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा ही उम्मीद लगा कर रखते हैं। दोस्तों, अंत में बात करेंगे आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों की। मेष राशि की कमजोरी क्या है? तो अधिकतर आपको अपने सिर और पैर की चोट से बचना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल और, मेष राशि का जीवन साथी कौन होना चाहिए? तो इस पे तुला राशि के जातक बेस्ट लाइफ पार्टनर माने जाएंगे। दोस्तों, एक सवाल और पूछा गया है कि मेष राशि के शत्रु कौन है? तो दोस्तों, मेष के दुश्मन होते हैं करक और वृश्चिक राशि वाले, इनसे जरूर बचकर रहें। तो अगला सवाल कि मेष राशि के भगवान कौन से होते हैं, इन्हें कौन सी पूजा करनी चाहिए? तो मेष राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है, इसलिए इन्हें भगवान शिव की ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही हम कामना करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। आपका दिन शुभ रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय माता रानी की।